नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। राहुल गांधी का इस बार अमेरिका जाना सियासत में उबाल ला चुका है। वो अमेरिका क्या गए, भारत में सियासी तूफान ही आ गया। उनके बयानों ने भारत में उथल पुथल मचा दी है। जी हां, सबसे ज्यादा बवाल राहुल का सिखों पर दिए गए बयान को लेकर हो रहा है। राहुल भारत में सिखों की सुरक्षा पर बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका ये दाव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी जहां राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, तो वहीं खालिस्तानी नेताओं ने राहुल के बयान का स्वागत किया है और सवाल उठा कि आखिर सिख चरमपंथियों को राहुल गांधी चारा क्यों दे रहे हैं। वहीं भारत में सिख आक्रोशित हो उठा। राहुल गांधी की ओर से भारत में सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होने का आरोप लगाने के बाद बीजेपी के सिख नेताओं ने दिल्ली में काफी विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला हाल होने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे इतिहास को दोहराती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और कैसे सिखों को लेकर राहुल गांधी का दाव पड़ गया है उल्टा। भारत में सिखों की स्थिति पर राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया। उस विवादित बयान पर भारत में सियासी भूचाल मच गया है। इसे लेकर जहां भाजपा हमलावर है, वहीं आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल के बयान को सही ठहराया। अब सवाल है कि आखिर सिख चरमपंथियों को राहुल गांधी चारा क्यों दे रहे हैं। राहुल गांधी के लिए अमेरिका में आतंकी पन्नू जैसे लोग जरूरी है या फिर भारत। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, पहले वो जानिए। वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने दी जाए, क्या एक सिख को कड़ा पहनने दिया जाए, गुरुद्वारा जाने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी का ये बयान आया कि खालिस्तानी अलगाववादी पन्नू हाथों हाथ लपक चुका था और समर्थन वो दे चुका था, लेकिन भारत में इस बयान से बवाल हो गया। राहुल गांधी की ओर से भारत में सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होने का आरोप लगाने के बाद बीजेपी के सिख नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला हाल होने की धमकी देते नजर आए। जी हां, दिल्ली बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को खुली धमकी दी। तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले समय में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। देखिए ये वीडियो। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे का। अब तरविंदर के वीडियो क्लिप को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया और पीएम मोदी को भी टैग कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने लिखा, दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या करने में दो लोगों का सीधा सीधा हाथ था, पहला बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह, दोनों सिख थे। दरअसल मसला यह है कि बीजेपी राहुल के इस बयान को 1984 के दंगों से जोड़कर देख रही है। दरअसल इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि 1984 में नवंबर की 1 और 2 तारीख को पूरे देश में सिखों का नरसंहार हुआ था। अब बीजेपी कहती है कि कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर पूरे देश में सिखों को मौत के घाट उतारा गया था। देखा जाए तो सवाल उठता है कि क्या वाकई राहुल गांधी का बयान ऐसा था कि सिख नेता को धमकी देनी पड़ जाए। दरअसल जानकारों ने भी इसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयान का नतीजा बताया है। देखा जाए तो राहुल गांधी ने भारत के आंतरिक मुद्दों को इस तरीके से उठाया कि सभी को गुस्सा आ गया।
खास बात यह है कि राहुल गांधी के बयान से खालिस्तानियों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं खालिस्तानी जो कनाडा में तिरंगे को जलाते हैं वही खालिस्तानी जो उसे मिट्टी में मिलाते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी सिख नेता ने जो धमकी दी वो सही है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को या फिर किसी को भी इस तरीके से धमकी नहीं दी जा सकती। बीजेपी को इस विषय में संज्ञान जरूर लेना चाहिए। वहीं राहुल गांधी को भी अब जरूरत है कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इस पर विचार करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जल्द ही वो अपनी पुरानी छवि में वापस आ सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।